हेलो दोस्तों, ये वीडियो एब्स्ट्रैक्ट क्लास टॉपिक का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम लोग डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं और उसका एब्स्ट्रैक्ट उसका मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट उसके रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने लायक कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट उसका उस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उस रेफरेंस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। कैसे? अब सवाल है कैसे, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम देखेंगे। एक दो पॉइंट मैं आपको और बता दूं। इसके पीछे कारण ये है कि जावा जो है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा, जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कारण हम लोग सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं। ये हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा कि हम लोग सुपर क्लास के टाइप का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और वो रेफरेंस वेरिएबल सब टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है। तो इस कारण से ही हम लोग ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज हम लोग जो सब क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से ये संभव है एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना, एक रेफरेंस क्रिएट करना, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना ताकि ये सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर सके। तो आइए दोस्तों एक सैम्पल प्रोग्राम देखते हैं, इसे और अच्छी तरह से इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लें। मान लिया जाए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हमने लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इसका नाम हम लोगों ने दिया फिगर। फिगर नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया हमने। अगर दो डबल टाइप के वेरिएबल ले लें तो सबसे पहला डबल डी वन लिया, ठीक है, इसी लाइन में मैं लिख देता हूँ, फिर डबल डी टू, ये दो वेरिएबल्स हमने ले लिए इसको। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, हमने ये देखा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अगर क्रिएट करना चाहें तो बिल्कुल जैसा कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर लिया। बेहतर होगा कि हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लें। तो डबल ए पहला वेरिएबल और दूसरा डबल बी दूसरा वेरिएबल। यहाँ पर हमने इसके अंदर तो सिंपली क्या किया जाए, जो डी वन है उसमें हमने ए, माफ़ कीजिएगा, डी वन में हमने ए असाइन कर दिया और डी टू में हमने बी असाइन कर दिया, ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ, अब क्या करते हैं, ये तो हमारा एक तरह से बोला जाए तो सुपर क्लास हमारा ये कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी तो मेन चीज़ हमने की ही नहीं, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसका कंस्ट्रक्टर लिया, बट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना कंपलसरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग कैसे ले सकते हैं, ऐसे ले लो एब्स्ट्रैक्ट इसको भी हम डबल टाइप का ले लें, अगर डबल एरिया, एरिया नाम का मेथड ले लेते हैं क्योंकि पिछले एग्जांपल्स में भी हमने एरिया ही देखा था। तो इसका तो कोई बॉडी होगा नहीं, तो सिंपली इसके बाद हमने सेमी कॉलन पुट कर दिया और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। क्लास यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फुल्ली लिख दिया। अब हम एक ऐसा क्लास लिखेंगे जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करे, मतलब कि जो नॉर्मल क्लास हो और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे। तो फिगर है तो इसका ले लेते हैं दूसरा क्लास, क्लास ले लो आप, रेक्टेंगल ले सकते हैं हम लोग,
क्लास रेक्टेंगल लिया और ये एक्सटेंड करेगा फिगर को. क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स फिगर. ठीक है, अब चाहो तो हम इस रेक्टेंगल क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं. रेक्टेंगल अगर हमने लिया, बिल्कुल सेम वे में हम लोग पैरामीटर ले लें डबल ए और दूसरा डबल बी, ये हमने ले लिया. अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर तो दोनों को हमने लिया, बट चाहे तो अगर ऊपर हम लोग जो हमारा ऊपर वाला क्लास का कंस्ट्रक्टर है फिगर का कंस्ट्रक्टर, उसमें अगर हम पास करना चाहें तो सिंपली हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर कर दिया, ए और बी को सिंपली हम लोग पास कर देंगे और ये हमारा कंस्ट्रक्टर, हमारा कंस्ट्रक्टर का काम क्या है वो ख़त्म हो गया. हाँ, अब क्या करते हैं कि अब ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो ज़रूरी है कि उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंट हो. यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट डबल एरिया जो है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपली हम लोग डबल एरिया हमने ले लिया. बहुत अच्छे. और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे. क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कुछ नहीं करना है इसमें, आपको d1 और d2 को मल्टीप्लाई करके d1 इंटू d2 रिटर्न करना है. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डबल d1 और डबल d2 यहाँ पर पब्लिक टाइप का है, तो इसलिए हम डायरेक्टली सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. अगर पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो सुपर कीवर्ड का भी यूज़ करना हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोगों ने इसे कर दिया. एरिया हमारा कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हम इस क्लास को भी क्लोज कर देते हैं. यहाँ पर थोड़ा आपको स्पेस के कारण मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, मैं आपको एक लाइन यहाँ पर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो. तो ये हमारा पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इसमें दो वेरिएबल्स d1 और d2 लिए थे. फिगर क्लास का नाम था तो फिगर कंस्ट्रक्टर लिया हमने और ए और बी दो पैरामीटर्स लिए और दोनों में ए को d1 में असाइन किया, बी को d2 में असाइन किया. एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिया डबल टाइप का और उस मेथड का नाम दिया एरिया. अब जो क्लास रेक्टेंगल है वो एक्सटेंड कर रहा है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिगर को. इस रेक्टेंगल का भी एक हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया बिल्कुल सेम टाइप का और इस कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज़ को, इसके आर्गुमेंट्स जो एक्सेप्ट करेगा उसको डायरेक्टली हमने सुपर क्लास मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में फॉरवर्ड कर दिया सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए. अब जो सब क्लास है उसके लिए कंपलसरी है कि ये सुपर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे प्रैक्टिकली. अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करता है सुपर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, तो इसको भी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना होगा. बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करने की बजाय हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एरिया कैलकुलेट करके d1 और d2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो करके रिटर्न कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ तक पर तो हमने दो क्लासेस बना लिया. अब हम एक तीसरा क्लास लेते हैं जो कि हमारा मेन मेथड कंटेन करेगा. तीसरा क्लास ले लेते हैं क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेने से अच्छा है कि एब्स्ट्रैक्ट एरियाज, ऐसा हमने लिया. मेन मेथड लिखना है, हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और साथ में पैरामीटर्स में नीचे लिख देता हूँ स्ट्रिंग ऑक्स, ये हमने मेन मेथड लिखा फुल सिग्नेचर के साथ. हाँ, अब इस वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट रेफरेंस वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करना हो रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो कैसे करेंगे, फिगर f इज इक्वल टू न्यू फिगर और दो पैरामीटर्स ले रहा है वो, तो दो आर्गुमेंट्स हम लोग पास कर देंगे. बट हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास
का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने कोशिश की है। तो अगर हम लोग इस कोड को कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा, इसलिए हम इसे जो है वो कमेंट बना देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करके हमने इसे कमेंट बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो सबसे पहले इस जो हमारा सब क्लास रेक्टेंगल है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो रेक्टेंगल आर इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल लिया हमने, और इसका जो है दो पैरामीटर्स पास किए, 9 और 5। रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लिया आर, और नया रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय यूजिंग बाय पासिंग आर्गुमेंट्स 9 एंड 5। तो यहाँ तक तो समझने में कोई समस्या नहीं है। अब आगे हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, एक फिगर का भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस यही समझना है। फिगर का रेफरेंस वेरिएबल हमने एफ लिया, और इसमें हम लोग इसका जो सब क्लास है, फिगर क्लास का सब क्लास क्या है, रेक्टेंगल क्लास। तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट को इस फिगर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल एफ में असाइन करते हैं। तो डायरेक्टली आर को हमने इस तरह से असाइन कर दिया। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट टू क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बट हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस रेफरेंस वेरिएबल को ऐसा कर सकते हैं कि वो रेफर करे सब क्लास के ऑब्जेक्ट को। सब क्लास का ऑब्जेक्ट मतलब इस केस में रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, और रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल इस तरह से रेफर कर रहा है। अब हम चाहें तो इस रेफरेंस वेरिएबल का यूज हम लोग इस मेथड को भी कॉल करने में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग सीधे मान लिया जाए एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ले लिया, आर डॉट आर नहीं माफ़ कीजिएगा, एफ डॉट एरिया, ये हमारा कॉल हो गया। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में इस सैम्पल प्रोग्राम में हमने क्या क्या देखा, हमने दो क्लासेस ली हैं, एक में तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया, फिर एक सब क्लास लिया जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। हमने मेन मेथड के अंदर क्या किया, जो हमारा सब क्लास है जो कि जिसमें कि कंक्रीट मेथड मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमने इम्प्लीमेंट कर किया कंक्रीट वे में। तो हमने सबसे पहले इस सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आर रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके, फिर हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल लिया और उसमें सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर किया। तो बेसिकली लॉजिक यहाँ पर यह है कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट टू क्रिएट नहीं कर सकते, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल ले सकते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा उसके ऑब्जेक्ट को इस तरह से रेफर कर सकता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ हम लोग मेथड्स को कॉल करने में भी इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर क्या क्या मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखा कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, इस केस में फिगर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। और जितने भी इस केस में तो सिर्फ हमने एक ही क्लास, एक ही सब क्लास लिया है, बट जितने भी सब क्लासेस होंगे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, उसके लिए कंपलसरी है कि वो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया को इम्प्लीमेंट करे, और अगर वो नहीं करेगा तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रूप फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ये जो है रिजॉल्व कब होगा, ये रिजॉल्व कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, ये रिजॉल्व रन टाइम पे होगा। पिछले वीडियोस में हम इस बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फाइनल कीवर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस के साथ। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।